गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल रेलवे पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 114 लेकर आया हूं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी में 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। मुख्य बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध साहित्य में आनंद द्वारा किया गया। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया। विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में किया गया। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत का संविधान विदेशों के संविधान से उधार लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का 2/3 भाग से अधिक भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन राज्यों में शामिल है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल। गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। यदि हवा की गति 8 से 23 मीटर पर सेकेंड है तो 12 हेक्टेयर में 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को माना था और एमजी रनाडे पेशे से जज थे। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष चंद्र बोस ने सीआर दास को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। और बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट ऑफ इंडिया में भारत में अशांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे का 17वें रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को किया गया था। कोलकाता मेट्रो रेलवे को 29 दिसंबर 2010 को 17वें भारतीय रेलवे जोन बनाया गया। भारत का 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन है। 18वें रेलवे जोन की मुख्यालय जो है वो विशाखापत्तनम में है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम परमाणु परीक्षण डॉक्टर राज रमन्ना एवं डीपी आयंगर के नेतृत्व में हुआ था। और भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में किया गया था। और 1998 में परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया था। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। और 1998 में संवर्धित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का भी उपयोग किया गया था।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गए थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, संविधान सभा के 296 सदस्यों में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का नाम मार्क फर्स्ट था। ठीक है, और एलेन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। और विश्व के प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में कुछ ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 के बीच में था। इसमें क्या था, कौन सी स्विचिंग डिवाइस थी, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। और द्वितीय 1956 से 63 था, उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का। तृतीय में इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चतुर्थ पीढ़ी में वृहद एकीकृत सर्किट मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वृहद एकीकृत सर्किट का LSI का। और पंचम में अल्ट्रा वृहद एकीकृत सर्किट का ULSI का। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास का उपाय अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा या कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। रॉलेट एक्ट द्वारा राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना इसका उद्देश्य था। और रॉलेट एक्ट का तीव्र विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला कांड का तीव्र विरोध हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुआ। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। और कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि किसी भी देश में बाल मजदूरी के प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता और क्षेत्रीय असंतुलन है। समानता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रम करना बाल श्रम कहलाता है। अब हम आते हैं आज के 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। सेवा सदन रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जैसे उपन्यास लिखे गए हैं। मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी जो है वो आधुनिक भारत में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है। और चिदंबरा पुस्तक के लिए 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यामा जो पुस्तक है वो माधवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भेल का पूर्ण रूप क्या होगा, तो भेल का हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ONGC का पूर्ण रूप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। NHPC का नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और CIL का कोल इंडिया लिमिटेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कोबाल का पूर्ण रूप क्या है, तो कोबाल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह वाणिज्य या व्यवसाय के लिए उपयोगी उच्च क्षमता का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ENIAC का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। IDVAC का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रक फार्मिंग।
जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल उगाई जाती हैं। मिश्रित फसल एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण निर्धनता है। श्रमिकों को चार श्रेणी में बांटा जाता है, अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। अकुशल श्रमिकों को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है और अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव होना है। और भारत में जनसंख्या के अनुपात में रोजगार सृजन का अवसर कम है, रोजगार की खोज में श्रमिक पलायन करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के खलीफा के पक्ष में किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 9289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई खोजा गया था। डिगबोई तेल कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 ईस्वी यूएसए में किया गया। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वस्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी धरोहर स्थल द्रविड़ स्थापत्य शैली का है। हम्पी में हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। खजुराहो और कोणार्क में अवस्थित मंदिर नागर शैली का है। एलोरा में कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध। अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों से मुख्यतः सैनिकों की भर्ती किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक काल में अभिजात वर्गों को सेना में भर्ती की प्राथमिकता दिया था। 1857 के विद्रोह से पूर्व तक अवध क्षेत्रों से अधिक सैनिकों की भर्ती किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। पोटास उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान गणतंत्र संघ के सक्रिय सदस्य थे। 1928 ईस्वी में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवाद गणतंत्र संघ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुफिया विभाग के निरीक्षक नटवर से मुठभेड़ हुआ था उनका, और अंतिम गोली चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं मारकर आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह प्रतिज्ञा किया था कि अंग्रेज जीवित अवस्था में मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, इस वचन को उन्होंने पूरा किया। इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 114 का 22 क्वेश्चन यहीं पे अब समाप्त होता है। अब हम कुछ
महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके कार्य। फास्फोरस तत्व का क्या कार्य है? जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण और शीघ्र फल पकाने में। नाइट्रोजन का तत्व का क्या कार्य है? वृद्धि एवं नाइट्रोजन गैस का वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन। पोटेशियम का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और पानी का उचित अवशोषण में। कैल्शियम का कोशिका संरचना एवं विभाजन में। सल्फर का प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम का पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व। आयरन का श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। मोलिबडेनम का दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कोबाल्ट का नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 के निर्माण में। सोडियम का सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक और जिंक का एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में। इस प्रकार हमारा आज का स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 114 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।